नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी स्टेनोग्राफी में। आज के इस वीडियो में हम कुछ वाक्यों का अभ्यास करेंगे जिनमें अभी तक के सीखे हुए शब्द चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इसके पहले के वीडियोस में भी हम कुछ इस प्रकार का अभ्यास कर चुके हैं और उसके पूर्व में भी हमने कुछ नए प्रकार के शब्द चिन्हों को बनाना सीखा था। यदि किसी कारणवश आप वह वीडियोज़ नहीं देख पाए हैं तो आपसे आग्रह करता हूँ, कृपया पहले वह वीडियोज़ जरूर देखिए। उन वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है और आप आई बटन पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब और अधिक समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। पहला वाक्य, वास्तव में ताकत का होना एक बहुत बड़ी बात है। वास्तव में ताकत का होना एक बहुत बड़ी बात है। इस वाक्य में अभी तक आए सभी शब्द चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य, इसको वही हासिल करता है जो सर्वथा कायदे से रहता हो। इसको वही हासिल करता है जो सर्वथा कायदे से रहता है। इस वाक्य में भी सभी शब्द चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य, वक्त का विचार कर जो काम करता है वह क्या नहीं कर लेता। वक्त का विचार कर जो काम करता है वह क्या नहीं कर लेता। इस वाक्य में सभी शब्द चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य, तुम्हारी शिकायत सुनते सुनते जी ऊब गया। तुम्हारी शिकायत सुनते सुनते जी ऊब गया। इस वाक्य में भी सभी शब्द चिन्हों का प्रयोग किया गया है, किंतु सुनते सुनते शब्द के लिए रिपीट करने के लिए सुनते लिख करके एस लगा देते हैं पास में, जिसका मतलब होता है वो शब्द दो बार लिखा गया है, दो बार पढ़ा जाएगा। अगला वाक्य, तुमने अथवा तुम्हारे साथी ने मेरे वास्ते ऐसा क्या ज्यादा किया जो इतराते हो। तुमने अथवा तुम्हारे साथी ने मेरे वास्ते ऐसा क्या ज्यादा किया है जो इतराते हो। इस वाक्य में सभी शब्द चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य, तुम इकट्ठे आ रहे हो इसलिए एकदम भागो। तुम इकट्ठे आ रहे हो इसलिए एकदम भागो। इस वाक्य में भी सभी शब्द चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य, नित्य नित्य
वही बात कहते रहने से लोग नीचे गिरते हैं। नित्य नित्य वही बात कहते रहने से लोग नीचे गिरते हैं। इस वाक्य में भी सही शब्द चिन्हों का प्रयोग किया गया है। नित्य नित्य शब्द दोहराने के लिए नित्य का चिन्ह बना के एस लगा देने से वह शब्द दोहरा दिया जाता है। अगला एवं अंतिम वाक्य, कोई अन्य नई बात बोलो। कोई अन्य नई बात बोलो। इस वाक्य में भी सही शब्द चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद है आपको आज का यह अभ्यास समझ में आया होगा। यदि इस अभ्यास से संबंधित कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। और अब आप हिंदी स्टेनोग्राफी के फेसबुक पेज पर भी अपनी समस्याएं पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टेनोग्राफी की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो आपको मिलती रहें।